नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके चंद्र पर्वत पर क्या शुभ ग्रह क्या प्रभाव दिखाते हैं, क्या कहते हैं आपके चंद्र पर्वत के शुभ ग्रह। तो दोस्तों इस वीडियो के आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और यह विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं ना, जीवन के एक एक एक्टिविटी की एक एक घटना को दर्शाती है हमारी जीवन रेखा। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, हम कितने गहरे विचारों में जाते हैं, कितने गहरी बातों को सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे एक प्रेम संबंध के बारे में बताती है, हम एक दूसरे के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर आज हम बात करते हैं तो चंद्र पर्वत के ग्रहों की बात करते हैं, इसको हम चंद्र पर्वत बोलते हैं। चंद्र पर्वत, अगर चंद्र पर्वत की बात हो, मन की बात हो ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है। चंद्र पर्वत की बात हो, विदेश की यात्रा ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है। चंद्र पर्वत से हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीखते हैं, चंद्र पर्वत से हम बहुत अपने रिलेशन के बारे में जानते हैं। कहते हैं ना कि जिसका मन शांत है, जिसका मन खुश है, वह जीवन में हर तरक्कियां का अवसर अवश्य पा लेता है। अगर आपका मन खुश है तो जीवन में बहुत कुछ खुशियां पालेंगे। चंद्र पर्वत के यही सितारे हैं जो आपके मन के गहराइयों के बारे में बताते हैं। अगर आपका चंद्र का ये पर्वत मजबूत है, आपके अंदर सुंदरता निखार के आती है, आपके अंदर बोलने की कला आती है, आप एक सौम्य बातें करेंगे, एक सुखी जीवन की बातें करेंगे। अगर ये पर्वत दब जाता है, कमजोर हो जाता है, तो जीवन में देखे इंसान थोड़ी सी देर में खुशी पाता है तो साथ में गम की स्थिति को प्रकट कर देता है। लेकिन जिसका मन मजबूत है, मन वो जिंदगी के सारे जंग जीत लेता है। ऐसे लोग माता के काफी दुलारे होते हैं। अगर जिसका चंद्रमा मजबूत होता है, वो माता की तरफ के जो रिलेशन होते हैं बहुत बेहतर और अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को अगर देखें, कल्पनाशील होते हैं, जीवन में ऐसी बातें करेंगे, प्राकृतिक की बातें करेंगे, सौम्य की बात करेंगे, सुंदरता की बातें करेंगे, जीवन में हर कुछ वो सीखते हैं अगर जिसका मन मजबूत होता है। ऐसे लोग प्राकृतिक प्रेमी भी होते हैं। ऐसे लोगों को अगर जीवन देखें तो काफी भावनाओं में बहने वाले होते हैं। अगर जीवन की बात करें तो ऐसे लोग कवि हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। इस जीवन में उन गहराइयों में बहना जानते हैं, जैसे एक समुद्र की दरिया में लोग गहराइयों को टटोलते हैं, तो वैसे ही अपने मन की बातें व्यक्त करते हैं तो गहरे विचारों में करते हैं, सुंदर तरीके से करते हैं। अगर इनके सामने कोई दुख भी होता है तो उसको दुखों में शामिल भी हो जाते हैं। अब यहां पर देखें, कई बार क्या होता है, आपके हाथ में देखें ये छोटी छोटी रेखाएं, ये छोटी छोटी रेखाएं, कई लोग देखे होंगे आप जीवन में, लगता है कि इनको भूत प्रेत की किसी न किसी के रूप में इनको दिखता है, या उसका एहसास करते हैं, उसके बारे में जिक्र करते हैं, तो हाथ के चंद्र पर्वत के एरिया में ऐसा होता तो मन की स्थिति बेचैन करता है, लोगों की दूसरों की आत्माओं के बारे में इनको नेगेटिव फीलिंग आती है। और इसी प्रकार से अगर यहां पे देखें आप, एक त्रिकोण बन जाए, वैसे त्रिकोण तो हस्तरेखा में काफी शुभ प्रभाव देता है, शुभ माना भी गया है, ये फल धन की इच्छा से बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है। ऐसे लोगों को देखें तो विदेश की यात्रा से
या विदेश की धरती से या विदेश जाने में काफी सफलता सहायक सिद्ध माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में देखें तो तरक्कियां अवश्य मिलती हैं, ये नहीं सहित इनके परिवार में कोई ना कोई विदेश की यात्रा अवश्य करता है, सहायक होते हैं। और इसी प्रकार से अगर यहां पर एक शुभ चिन्ह होता है फिश की साइन, फिश की साइन काफी शुभ साइन माना जाता है, हस्तरेखा में इसका काफी जिक्र किया जाता है। ऐसे लोग जीवन में तरक्कियां करते हैं, यात्राएं करते हैं, विदेश की यात्राएं करते हैं, चाहे अपने ही शहर में होंगे लेकिन एक यात्राओं का दौर इनका बना होता है। आज कहीं सफर करके आए तो अगले कुछ दिनों में देखें दूसरी तरफ सफर बनेगा, और ये सफल एक व्यापारी भी बनते हैं। ऐसे लोग जल की यात्राएं करने, कीड़े करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों के विदेश जाने के काफी सफल प्रयास होते हैं और विदेशी धरती से इनको काफी लाभ मिलता है। यहां पर देखिए एक और शुभ साइन है, अगर यहां पर स्टार बन जाए, स्टार यहां पर कहता है क्या है, पावर देता है, शक्ति देता है, प्रदान करता है, बल को प्रदान करता है। ऐसे लोग अपने नेचर से अच्छे शुभ काम करके जीवन में सरकार के क्षेत्र में, ऐसे लोग सरकार से मान सम्मान प्राप्त करते हैं, सरकार के द्वारा इनको इनाम भी मिलता है। अगर देखें अपने जीवन में तो ऐसे लोग सरकार से इनाम भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से यहां पे एक शुभ साइन और होता है जिसको कि कहते हैं कि यहां पे अशुभ फल का काम करता है, एक क्रोस, क्रोस करता है इंसान को। वैसे हस्तरेखा में क्रोस का शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है, इसका नेगेटिव फल हमेशा मिलता है। ऐसे लोगों के जीवन में लगता है कि हम जिंदगी में कहीं ऊपर से हम निचाइयों की तरफ गिर रहे हैं। अगर हस्तरेखा में यहां पर फीलिंग जो आती है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव बंदा सोचता है। और दूसरी बात, अगर राहु रेखाएं ज्यादा हो तो ऐसे लोग जीवन में आत्महत्याएं करने का प्रयास भी करता है। और यहां पर एक तिल देखें, तिल अगर यहां पे आपके हाथ में बनता है, ऐसे लोगों को शादियों में कई तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, होते होते कुछ न कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ न कुछ घटनाएं घटती है, बार बार ये चीजें आती है। और देखें तो माता के साथ जो संबंध होते हैं उनके दिली प्यार से नहीं होगा, उतना आत्मीयता सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में बार बार माता की तरफ से कष्ट मिलता है, और ऐसे लोगों को पानी से बड़ा डर लगता है। यात्राएं करेंगे, जल की यात्राएं करेंगे तो एक डर सा पैदा रहेगा मन में कि पता नहीं ये पानी की स्थिति हमें गहराइयों में ले जाने से डराती है, ऐसी स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।